किसी विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालयों, अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों, सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक महाविद्यालयों, माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1921 द्वारा शासित अशासकीय सहायता प्राप्त इंटरमीडिएट कॉलेजों, उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों, हाई स्कूल या उनसे संबद्ध प्राथमिक विद्यालयों अथवा इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 के अधीन आच्छादित अशासकीय सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक इंटरमीडिएट कॉलेजों, अल्पसंख्यक उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों या अल्पसंख्यक हाई स्कूलों या उनसे संबद्ध अल्पसंख्यक प्राथमिक विद्यालयों अथवा बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972 के अधीन शासित उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज द्वारा संचालित अथवा प्रबंधकृत विद्यालयों एवं उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों, प्राथमिक विद्यालयों, अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों तथा संबद्ध प्राथमिक विद्यालयों एवं अशासकीय सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक जूनियर हाई स्कूलों तथा संबद्ध प्राथमिक विद्यालयों अथवा अटल आवासीय विद्यालय समिति द्वारा संचालित संस्थाओं के अध्यापकों के चयन या उत्तर प्रदेश सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अनुदेशक फोरमैन सेवा नियमावली 2021 के अधीन सर्टिफिकेट स्तरीय राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के अनुदेशकों के चयन हेतु उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की स्थापना का प्रस्ताव है, एतद् द्वारा अधिनियम प्रस्तावित है। अध्यक्ष जी, इसका केंद्र प्रयागराज होगा और इसकी संरचना में हर विभाग का एक प्रतिनिधि होगा, आयोग का एक अध्यक्ष और 12 सदस्य होंगे जो सरकार द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। कोई व्यक्ति जो अध्यक्ष रूप में नियुक्त होगा वो बहुत ही कुशल शिक्षाविद या प्रशासनिक अधिकारी, जिसमें भारतीय प्रशासनिक सेवा का सदस्य हो या रहा हो और राज्य सरकार के प्रमुख सचिव का पद हो या उसके समकक्ष को पद उसने धारण किया अथवा विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय का कुलपति रहा हो या विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय का न्यूनतम 10 वर्ष तक आचार्य रहा हो और उसके पास कम से कम 3 वर्ष का प्रशासनिक अनुभव हो। इस क्वालिफिकेशन के अध्यक्ष चुना जाएगा। जो सदस्य होंगे उसमें एक ऐसा व्यक्ति होगा जो भारतीय प्रशासनिक सेवा का कोई सदस्य रहा हो या हो, जिसने राज्य सरकार के अधीन सचिव का पद या अन्य कोई संपर्क पद धारित किया हो। दूसरा एक ऐसा व्यक्ति होगा जो संयुक्त निदेशक उच्च शिक्षा से अन्य रैंक का हो या रहा हो, जिसकी सेवा उत्कृष्ट हो चुकी हो। एक ऐसा व्यक्ति होगा जो अपर निदेशक व्यवसाय शिक्षा से अन्य रैंक का हो या रहा हो, जिसकी सेवा उत्कृष्ट कोटि की रही हो। इसमें एक ऐसा व्यक्ति होगा जो संयुक्त निदेशक माध्यमिक शिक्षा से अनंत रैंक का हो या रहा हो, जिसकी सेवाएं उत्कृष्ट कोटि की हो। इसकी प्रतियां तो सबके पास होंगे मुख्यमंत्री जी। एक ऐसा व्यक्ति इसका सदस्य होगा नहीं है जो संयुक्त निदेशक बेसिक शिक्षा से अनंत रैंक का हो या रहा हो, जिसकी सेवाएं उत्कृष्ट कोटि की हो। इसका सदस्य एक ऐसा व्यक्ति होगा जो न्यायिक सेवा
जिला न्यायाधीश के स्तर का हो या रहा हो और जिसकी सेवाएं उत्कृष्ट कोटि की हो। इसके कारण और उद्देश्य आप बता चुके हो। छह सदस्य शिक्षाविद होंगे। नहीं, ये प्रतियां सबके पास है जो आप पढ़ रहे हो, ये प्रतियां सबके पास है जो आप पढ़ रहे हो। कारण और उद्देश्य के ऊपर सिर्फ आप उसके कारण उद्देश्य इसमें जहां एक और कुशल प्रशासनिक अधिकारी भी होंगे वही एक उत्कृष्ट कोटि के शिक्षाविद भी होंगे। ये सब मिलकर जो आयोग बनेगा वो अध्यापकों का या निदेशकों का चयन करेगा। इस एक छत के नीचे सभी शिक्षा के विभागों के शिक्षकों का या निदेशकों का चयन होगा तो वो सब विसंगतियां दूर होंगी जो पिछले कई वर्षों से हम देखते चले आ रहे हैं, जिसका शिक्षा भी प्रभावित हो रही है, शिक्षा की कार्यशैली प्रभावित हो रही है और छात्रों के लिए शिक्षा का अभाव या शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। इसलिए इस विधेयक का आना जनता के हित में, छात्रों के हित में, शिक्षा के हित में है। मैं इसको प्रस्तुत करता हूं जिससे कि इसको सदन का अनुमोदन प्राप्त हो सके। माननीय राजीव वर्मा जी, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं